टाइम फॉर्मूला हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली चीज की डेट टाइम में क्या होता है, पहले जब हम ये डेट डालते हैं तो कंप्यूटर कैसे रीड करता, तो आपकी सिस्टम की डेट होती है यहाँ पे जो दिखा रहा है, तो यही डेट सेम आपकी यहाँ पे होगी, किसी फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा जो भी सिस्टम की डेट होती है, तो उसको ऐसे डेट काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है डेट का, जब हम इसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करते हैं, यहाँ कुछ नंबर दिखाता है, ये नंबर क्या होते हैं, जैसे अगर आप एक डाल के इसको मैं डेट फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो ये मुझे 1 जनवरी 1990 की डेट देखता है, ठीक है, तो एक डालने पे 1 जनवरी 1990, 2 डालूंगा 2 जनवरी 1990, इसी तरह से पूरा साल जो काउंट करता हूँ 368 डालता हूँ 2 जनवरी 1901 आ गया, ईयर चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जनरल फॉर्मेट में आता है ये आपके डेज होते हैं, इसको अगर मैं जनरल फॉर्मेट में करूँ तो ये आपके 1900 से लेकर अब तक के कितने दिन हुए ये आपके ये नंबर होते हैं, एक्सेल इसी में इसमें सारी कैलकुलेशन करता है। तो अगर ये नंबर है तो आप इसमें प्लस माइनस भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो जैसे इसमें मैं एक प्लस करता हूँ 10 जो, तो ये नंबर चेंज हो जाए, इसी तरह से इसकी डेट चेंज हो जाएगी, अगर मैं डेट फॉर्मेट में हूँ तो 10 दिन का गैप आपको इसमें, तो सिंपल कैलकुलेशन है। डेट तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जब आप प्लस माइनस की कैलकुलेशन डेट पर चल रही है, समझ लीजिए डेट सही फॉर्मेट में, अगर नहीं चल रही है तो वो गलत फॉर्मेट में, ठीक है। सबसे बड़ी बात जनरल में करके देखने की ये नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप डेट को तो डायरेक्टली प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से टाइम में क्या होता है, टाइम में जैसे अब ये टाइम है मेरे पास, टाइम का जो है टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फार्मूला यूज करता हूँ जो हमें डेट के साथ टाइम भी रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जो फॉर्मेट अलग दिया हुआ था, नाउ डेट के साथ टाइम भी आता है, तो ये टाइम और ये अलग से टाइम, इन दोनों को देखते हैं क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में दोनों को करता हूँ तो क्या होता है, एक नंबर मेरे पास पॉइंट्स में आता है और एक डेसिमल, मतलब जो आगे की वैल्यू जो है डेसिमल से आगे वो डेट वैल्यू है, उसके बाद की जो है वो टाइम वैल्यू है, जैसे कि है तो ये टाइम वैल्यू है। अब ये पॉइंट में इसलिए क्योंकि एक में 24 घंटे होते हैं, फिर 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट, इसी तरह से इनका डिवाइड वगैरह करके जो रेशियो बनती है वो वैसे दिखाता है। अगर मुझे इसमें इस टाइम में 2 घंटे जोड़ने हो 9 के उसमें, तो मैं डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 2 जोड़ूंगा इसमें तो ये दिन के आगे प्लस हो जा रहा है, तो टाइम में तो कोई फर्क दिखेगा नहीं, टाइम तो वही रहेगा, तो उसके लिए मुझे डेसिमल की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। अब डेसिमल में कैसे करूँगा मैं प्लस माइनस, अगर 2 जोड़ना था मुझे तो सिंपल से कैलकुलेशन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कि जैसे इसमें मुझे प्लस करना है 2 घंटे, तो 2 घंटे हम जानते हैं कि जो एक वैल्यू है अपनी वो है एक उसमें है 24 घंटे, तो अगर हम एक को डिवाइड कर दें 24 घंटे से तो 1 घंटे की एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। इसी तरह से अगर मुझे 2 घंटे आगे बढ़ना तो मैं यहाँ पर शो कर दूँगा 2 बाय 24। अब मैं अगर इस वैल्यू को चेक करता हूँ टाइम फॉर्मेट में तो मेरे को एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने लगते हैं, ये 2 घंटे। इसी तरह अगर मुझे मिनट जोड़ने, मान लीजिए 2 मिनट जोड़ने थे, मैं क्या करूँगा 60
हाँ डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे सेकेंड्स की भी करी जाएगी। तो अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, की फॉर्मूला कैसे होते हैं इसके। जैसे कोई डेट है तो इसके लिए डे मंथ और ईयर, ठीक है। डे निकालने के लिए डे का फॉर्मूला जनरल फॉर्मेट में कर, डे निकालने के लिए डे का फॉर्मूला, मंथ निकालने के लिए अपने पास मंथ का फॉर्मूला, और ईयर निकालने के लिए अपने पास ईयर। तो ये फॉर्मूले हैं, और वापस कंबाइन करने के लिए डेट का फॉर्मूला। इसमें पहला पैरामीटर ईयर लेता है, डेट, फिर मंथ, देन डे। तो ये वापस कंबाइन करने के लिए अपने पास ईयर डेट का फॉर्मूला। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डेट का तो मैं बता ही चुका हूँ कि दिन जोड़ना है तो कैसे जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए 6 दिन जोड़ने हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ये वाली डेट में प्लस ये दे दिया 6, डायरेक्ट एडिशन, कुछ करना नहीं। मान लीजिए आप 2 महीने जोड़ दें, 2 महीने कैसे जोड़े जाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली डेट में जो हमारे पास एक फॉर्मूला है ई डेट का, ठीक है। ई डेट में आपको देनी पड़ेगी स्टार्ट डेट और कितने मंथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जोड़ के जो है वैल्यू दिखाते हैं। 2 महीने जोड़े जून में, सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब मान लीजिए ईयर जोड़ना है, तो ईयर के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, 2 साल जोड़ रहे हैं तो फॉर्मूला तो है नहीं, पर ई डेट का सहारा ले सकते हैं, ई डेट का सहारा ले सकते हैं उसके अंदर। ई डेट, अब उसमें मंथ होता है तो इसमें जितने ईयर है उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर, तो इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग हम कैलकुलेशन इस पे देखिए, डेट टाइम के फॉर्मूला पे, डेट के फॉर्मूला पे आगे देखते हैं और किस किस तरह के लिए इसमें वो फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी डेट का एंडिंग मंथ जानना, कोई भी डेट है मान लीजिए, इन्हीं डेट्स का एंडिंग मंथ जानना, तो आपके पास फॉर्मूला होता है टी ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। और हाँ, ये इसका मतलब होता है कि इसमें पहला पैरामीटर होता है डेट और मंथ। मंथ में आप क्या कहेंगे, अगर 0 देंगे तो वो सेम मंथ का निकाल के देगा आपको एंडिंग डेट, 1 देंगे तो नेक्स्ट का, 2 देंगे तो उससे भी नेक्स्ट का, तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो एंड ऑफ मंथ की एंड की डेट निकाल के देता है। देखिए 27 मई में 31 मई दी, अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये अगले महीने की देगा, ठीक है। इसी तरह से जितने वो डालेंगे उतने ही आगे की देगा, एंड वाली डेट, एंड ऑफ मंथ की डेट, ठीक है। उसके बाद मैं आगे तो हो गया अपने पास एंड ऑफ मंथ, देन उसके बाद कभी आप जैसे किसी सरकारी ऑफिस में आज के ही दिन गए और उन्होंने कहा कि 20 दिन बाद आके ले जाए अपना डॉक्यूमेंट, बट कहा कि 20 वर्किंग डे के बाद। आपको कैसे पता पड़ेगा कि 20 वर्किंग डे, मतलब कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपका, तो उस केस में भी वर्किंग डे मतलब सैटरडे संडे एक्सक्लूड कर रहा है। हाँ, सैटरडे संडे एक्सक्लूड करेगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला है नेट वर्क डे और वर्क डे का, इसके लिए हमारे पास जब भी वर्क डे जानना हो वर्किंग डे कौन सा है, तो वर्क डे का फॉर्मूला। तो जब आप इस पर डेट लेंगे, स्टार्ट डेट, तो कितने दिन बाद वो
ठीक है जी। एक ऑप्शनल पैरामीटर है कि आप में कोई भी हॉलीडे बिटवीन का ले सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे लिस्ट हो कोई भी हॉलीडे की तो ले सकते हो, तो उसको भी एक्सक्लूड कर देगा, जैसे सरकारी छुट्टी वगैरह हो जाती है बस। तो ये बताएगा कि आपकी जो है ये डेट पड़ेगी 24 जून पड़ेगी, ठीक है जी। अब इसमें मान लीजिए कि बीच में कभी एक आधी छुट्टी पड़ गई, जैसे 1 जून मान लीजिए सरकारी कर दे तो 1 जून 2015 ये आ गई, तो ये आपकी डेट आगे बढ़ा दी 25 जून। सेम केस में जब आपको ये पता करना हो कि आपके पास जैसे इन दोनों डेट के बीच में कितने वर्किंग डे है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नेटवर्क डेज, ठीक है जी। स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पे भी आपके पास हॉलीडे का ऑप्शन है, और ये आपको दिन दे देगा। इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि एक में एक बाद वाला सिस्टम हो जाता है और एक इंक्लूजन वाला सिस्टम हो जाता है, इनके बीच में कितने दिन हो गए और एक कितने दिन बाद पड़ेगा, तो इसलिए वो प्रेजेंट डे को काउंट कर लेता है, एक में काउंट कर लेता है और एक में काउंट कर लेता है, ये सिस्टम होता है। तो नेटवर्क डे और वर्क डे, बाकी देखते हैं। और जैसे आपको ये जानना हो कि किसी डेट में कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन है, वीक डे का फॉर्मूला है हमारे पास, तो वीक डे में आपके पास यहाँ पे रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप देख लेते हैं कौन कौन सा रिटर्न टाइप। एक होता है मेरे ख्याल से वन होता है, वन के केस में क्या दिखाता है पहले इसमें हम देख लेते हैं कि ये है क्या। टेक्स्ट के फॉर्मूला के साथ आप कस्टम फॉर्मेट भी चला सकते हो, तो मैं इसमें डेट का नाम देख लेता हूँ कि क्या है, तो हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे थर्सडे फिफ्थ दिखाया है इसमें, ठीक है, फिफ्थ अगर थर्सडे है तो सेवंथ सैटरडे होगा, है ना, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट संडे से। तो वीक डे के फॉर्मूला में जब भी वन डालेंगे तो ये 1 2 5 6 7 ऐसे करके नंबर देगा, तो यहाँ 5 का मतलब थर्सडे है, अगर इसमें 2 डाला जाए तो यहाँ पे 4 दे रहा है। अब इसमें वीक क्या हो गया, मंडे से संडे काउंट हो रहा है, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से एक वीक भी है जिसके केस में क्या होता है कि ये मंडे से संडे 1 2 3 तो करके दिखा रहा है, पर इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 जीरो से स्टार्ट करता है, 0 से 6 तक की वैल्यू लेता है, तो 0 संडे 1 मंडे इस तरह से, सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड इस तरह से करता है। अगर ज्यादा क्लैरिटी के लिए क्या इसकी वो है वो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आता है, जब उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इसकी जो वैल्यूज है वो ऐसे इसकी डिटेल्स आ जाएगी कि अगर आप 1 डालते हैं तो पहला संडे लेता है, 7 को सैटरडे लेता है, 2 डालते हैं तो मंडे और संडे, तीसरे में एक 0 हो जाता है, 0 से लेकर स्टार्ट होता है 6 तक। तो वैसे हालांकि ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होते, हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मूला है जो ये काम कर देता है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एक और फॉर्मूला है इधर की वीक नाम, ये साल का कौन सा वीक चल रहा है ये बताता है। ओके, जैसे 2 जून में 23वां वीक चल रहा है, इसी तरह से कौन सा वीक चल रहा है ये आपको दिखाता है। बाकी अब टाइम के देखते हैं, टाइम के अंदर क्या होता है, टाइम के भी ऐसे ही होते हैं फंक्शंस।
अपने जैसे कि कोई आपका टाइम वाला, तो इसमें हेलो। जी सुन रहा हूँ मुझे। अच्छा, मुझे लगा ऑफलाइन हो। नहीं तो हमारे पास आवर, मिनट और सेकंड, सेकंड, इनके फॉर्मूले हैं हमारे पास, बस सेम कैलकुलेशन वैसे ही है। आवर मिनट एंड सेकंड, पर इसमें क्या फर्क है? इसका इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता होगा ये? ये किस चीज का? अभी टाइम वाले का इतना प्रिसाइजली? अच्छा बताता हूँ इसका, पहले मैं डिफरेंस बताता हूँ इसका। कहीं भी यूज हो सकता है। देखिए ऐसा है कि आपको इस जॉब में नहीं, अर्ली जॉब में जरूरत पड़े, जहाँ ऐसा कोई शिफ्ट, जहाँ शिफ्ट चलती है वहाँ यूज होता है। जैसे मशीन की किसी की टेस्टिंग होती है टाइम का, कि पहला इंटरवल कितने अच्छा का आया, दूसरा कितने का आया, तो बीच में कितने इंटरवल आए, कितने घंटे का टोटल टाइम क्या हुआ, तो टाइम के बहुत कैलकुलेशन होती है। डे वाला अपना जो है सैलरी वगैरह बनाने में इन सब में काम आता है, या डे भी ऐसे ही काम आता है, बहुत यूज होता है इंटर। जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वहाँ तो ये टाइम और डेट की जहाँ रीडिंग ली जाती है वहाँ काम, तो वापस कंबाइन करने के लिए टाइम का नहीं भी हो तो फिर मतलब पता होना चाहिए उसका, क्योंकि तो जब जरूरत पड़ती है तब नहीं मिलती ये तो है। है। तो टाइम तो वापस कंबाइन करने के लिए टाइम का फंक्शन है। अब आपको जोड़ना है, एक तो मैंने आपको मैनुअल फॉर्मूला बता दिया कि कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी एक और चीज कर सकते हैं कि ये जो टाइम का फॉर्मूला है ना, इसमें आवर मिनट जब डाल रहे हो, जैसे ये आर तो प्लस में करके इसके यहाँ पे पैरामीटर में डाल सकते हैं, ठीक है जी। आवर मिनट सेकंड से अलग कर लीजिए और फिर इसी के साथ ही में ज्वाइन कर दीजिए, वापस कंबाइन करते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, सेकेंड वगैरह भी ऐसे ही ऐड हो गए। तो बाकी चलते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं इसको कंबाइन करने का, जैसे ओवर टाइम वाला ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे लोग ले लेते हैं, अब इनका इन टाइम और आउट टाइम, जॉब पे आए सब लोग 9:30, तो बाहर गए वो कितने बजे करते हैं, वाओ 7 बजे आओ, उनको दस उनको आउट कर दें, 30 30 एक की एंट्री कराते हैं 10 और आउट कराते हैं 17। तो हमें इसमें ये निकालना है कि हमें ना ओवर टाइम देना है। जिस बंदे ने ना 8 घंटे से ज्यादा काम किया हो, उसे पर घंटे 50 रुपए या कुछ भी, पर घंटे 100 रुपए, 50 रुपए जितने देने हो वैसे देंगे, ठीक है। तो पहले हमें करना पड़ेगा कि पहले 8 घंटे से ज्यादा कितना काम किया है। तो जैसे ओवर टाइम निकालना है तो ओवर टाइम पहले तो कितना किया, टोटल आवर्स पहले देख लेते हैं, ग्रेटर में से लेस को घटा दीजिए, जनरल में जाएंगे। तो यहाँ तो ये नंबर्स दिखा रहा है, अब आपको आवर्स निकालने क्या आएगा हमारे पास, आवर का फॉर्मूला। यहाँ से आवर ले लीजिए माइनस और इसमें से आवर ले लीजिए, इससे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, विदाउट फॉर्मूला के इतना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने सेम ले लिया क्या, हाँ 10 घंटे, ठीक
आपके कितने कितने घंटे काम किया। अब इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं, बहुत छोटी सी कंडीशन, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 8 देन 8 माइनस जो भी वैल्यू होगा वो बता दे, अदरवाइज 0 लगा दे। ठीक है जी, तो इससे हमें एक्स्ट्रा आर सीधे सीधे आ जाएंगे, 8 माइनस इसमें माइनस 8 कर दो ताकि हमें एक्स्ट्रा आर पता लग जाए। ये आ गए एक्स्ट्रा आर्स, अब क्या करना है बस वही सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है ये निकल आया वो है, हमेशा से इस फॉर्मूला को कंबाइन कर, ठीक है कंबाइन करने के लिए आपको पता ही, यहाँ से डिपेंडेंसी चेक करके यहाँ से उठा के इधर, अच्छा पहले इसकी डिपेंडेंसी हटा दी और बिग सेवन यहाँ वाला ये बन गया आपका टोटल फॉर्मूला। फिर कैसे करना, कंट्रोल एक्स करके इसको टाइम के डेट टाइम के यही फॉर्मूले हैं टोटल, बाकी अपना ओके। जी इधर अंदर